सर म्यूजिक ठीक ठाक ही किया है तो अभी देखिए हिंदुस्तान की सबसे पुरानी म्यूजिक और एंटरटेनमेंट कंपनी है। 120 साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं। वो दिलीप कुमार साहब से शुरुआत करते हुए अभी हम पहुंची के पास पहुंचे के साथ हम काम करते चले। 3-3.5 साल पहले हमने डिसाइड किया था हम भोजपुरी में घुसेंगे। कुछ लोगों को विश्वास नहीं था कि ये बम्बई बैठे हुए लोग क्या काम कर पाएंगे, पर वो मार्केट हिला के रखा हुआ है इस समय। बहुत बड़े कदरदार है हम पवन की, इनकी भाई नीचे होना नहीं करें, पर जो जिस गाने ने नशा वहां पे किया हुआ है ये YouTube के नंबर से नहीं पता चलता अकेला। 250 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है, पर जब वो मार्केट में घूमो कोई ऐसी शादी कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जहाँ ये गाना सुनने को नहीं मिलता है, तो तहे दिल से दिल खुश हो जाता है, कहने का मन करता है थैंक यू। अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम हिंदी और मलयालम और पंजाबी में तो पिक्चरें बनाई रहे हैं कि अब हम भोजपुरी के एरिया के अंदर बड़े जोर से पिक्चरें लेके घुसना चाहते हैं। और जैसे हमने म्यूजिक के अंदर काम किया था कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, हम प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ा देंगे, चाहे वो म्यूजिक की हो, चाहे वो एक्शन की हो, चाहे वो लोकेशंस की हो, हर जगह पे ये लगना चाहिए कि बॉम्बे में बैठा हुआ इंसान जो शायद भोजपुरी लैंग्वेज नहीं समझता हो वो तमिल देखने जाता है बिना तमिल समझे हुए, तो उसे भोजपुरी की लैंग्वेज का पिक्चर देखने में भी वही मजा आना चाहिए जैसे हम हिंदी और बाकी लैंग्वेज। और इसकी स्टार्ट इससे बड़े स्टार की फिर हम कर नहीं सकते थे, तो थैंक यू। आपके और 5 पिक्चरें आने वाली है बहुत जल्दी। पवन जी इस बार आप पर्सनली इन्वॉल्व हैं इन सारे सब्जेक्ट्स में और आपने प्रॉमिस किया है कि जो भी करना पड़ेगा करूंगा, तो ये आपके कुछ अगर पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर करते हमारे साथ कि कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ। भाई नीचे बैठो। सबसे पहले तो पुष्कर भाई आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एक बार, और सब चीज मिला के हम एक ही बात कहे के चाहब कि सारे गामा जौन कंपनी बा और सारे गामा की जौन टीम बा, हमके सोच से ज्यादा इतना उम्मीद बा कि जो भी प्रोजेक्ट मार्केट में आई वो गर्दा बचाए। तो इसे आपसे भी पूछना चाहिए कि मतलब आपने तो बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्राई किया है, सो आपको क्या एक्साइट किया कि चलो भोजपुरी भी करते हैं, जरा अगर आप बताएं। आई थिंक बहुत बढ़िया चीज है अगर हम थोड़ा प्रोडक्शन वैल्यू, जैसे विक्रम ने कहा, थोड़ा प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाएं और एक इंडस्ट्री जो अभी सिर्फ भोजपुरी ऑडियंस के पास जा रही है वो थोड़ी वाइड चली जाए। अगर कंतारा जैसी पिक्चर पूरी इंडिया देख सकती है तो क्यों नहीं पावर स्टार की पिक्चर भी पूरी इंडिया देखेगी। कहाँ गए भैया, कहाँ गए वो? हाँ नहीं भाई मैं तो नहीं। और अब हम लोग प्रेस से पूछना चाहेंगे कि अगर उनके पास कुछ क्वेश्चन हो इस नए स्टेप के लिए जो हम लोगों ने लिया है भोजपुरी फिल्म बनाने के लिए, तो पवन जी, विक्रम जी, सिद्ध सर, रजित सर हैं तो पूछ सकते हैं। पवन जी मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और मैं बिंदास भोजपुरिया के लिए काम करता हूँ। पवन जी कैसे हैं आप? ऐसे हैं सर आप? अरे सर आपकी दुआ है बहुत अच्छा। पवन जी सवाल यह है कि कई फिल्मों का मैंने नाम इसमें देखा जिसमें से एक फिल्म का नाम है योगी, जो आपकी फिल्में अनाउंस हुई हैं उनमें से एक फिल्म का नाम है योगी, तो क्या ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जीवन पर आधारित फिल्म होगी? पवन जी जरा बताएं इसमें। अभी सिर्फ हम इतना ही कहेंगे कि उस समय हम साथ में थे बद्री भाई के, तो और विक्रम भैया है, बद्री जी हैं, तो अभी फिल्म के सिर्फ नाम सिलेक्ट भेल हुआ, स्टोरी का रही ये हम लोग बाद में सोचेंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे। पवन जी 5 फिल्में एक साथ अनाउंस हुई हैं आपकी, सारे गामा ने जिस तरह से गानों का सिचुएशन हालात बदल दिए,
पांच फिल्में आपके साथ, जब ये फिल्में बनाने के बिजनेस में आए तो आपके साथ, आपको इन्होंने चुना, जिम्मेदारी कितनी बड़ी मानते हैं पावर स्टार पवन सिंह खुद के ऊपर, कितनी बड़ी कंपनी ने इतना बड़ा भरोसा जताया है? देखिए क्या है पंडित जी, काम कोई भी हो, वो सिंगिंग हो या एक्टिंग हो, हमारे लिए पूजा है। और किस काम को हम कैसा करते हैं, ऑडियंस हमारे जो हमारे भगवान हमें कितना प्यार मिलल, जेके सबसे ज्यादा प्यार मिल जाए वो हमारा फेवरेट हो जाएगा। तो जिम्मेदारी तो जब से हमारे श्रोता जो है, जिम्मेदारी जब से मिला तो उस जिम्मेदारी को हम लोग बहुत अच्छे से निभाएंगे। विक्रम जी से सवाल है मेरा एक, विक्रम जी ऐसा वक्त जब भोजपुरी के ज्यादातर सिंगल प्लेक्स थिएटर्स बंद हो रहे हैं, ऑडियंस का उसमें एक के बाद एक थिएटर्स बंद होने के बाद ऑडियंस की कमी हो रही है, क्या ये सही समय है सारे काम जैसी बड़ी कंपनी का इस बिजनेस में एंटर करने का? 3-5 साल पहले मुझे यही चीज भोजपुरी के गानों के बारे में बोली गई थी कि क्या ये सही समय है गाने लॉन्च करने का। 7 साल पहले हमने कारवा करके प्रोडक्ट लॉन्च किया था, मुझे पूछा गया था कि डिजिटल के जमाने में आज की तारीख में डब्बा कौन लॉन्च करता है। आई थिंक हमने कई बार ये प्रूव करा हुआ है कि जो भी दिशा में पानी बह रहा है उसके अलग जाते हैं और जीत के दिखाते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, काफी दिन बाद आपको देखने मिल रहा है, मुंबई आप आते नहीं है और बड़ी मुश्किल से अब मिले हैं मीडिया के समक्ष। थोड़ा मुंडी नीचे भाई, मुंबई आते नहीं है यार, मुंबई आते नहीं, मुंबई हमारे लिए कर्म भूमि है, मुंबई ने ही बताया है, दिखाया है कि हाँ हमारे अंदर क्या हो रहा है। नहीं तो जीवन कुछ और था, लेकिन जीवन जीवन में बदल गया ये मुंबई ने ही बताया है। कुछ देर पहले मैंने देखा बद्री भैया ने आपसे कहा है कि आपने वादा किया है 5 फिल्म, तो उसके पीछे की कहानी जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि भाई वादे करने की आवश्यकता आ गई? हमके मत फसावा बाबा। बद्री भाई इस सवाल का जवाब प्लीज आप ही दे दीजिए। तो इस सवाल का जवाब जो है बेसिकली कि कितने डेडिकेटेड है पवन जी, जब आप इनसे बात करेंगे तो जैसे भोजपुरी में होता है कि गए शूट करिए, और उनके साथ वैसा नहीं है, मतलब आपको एक प्लान दिखाना पड़ता है। जब हमने मोहब्बत अब बिछाता किया था तो सिर्फ सॉन्ग ही था, लेकिन इतनी डिटेलिंग कि अभी मैं शूज पहनूंगा या नहीं पहनूंगा, एक शॉट था जहाँ पे हमारा टाइम खत्म हो गया था तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है नहीं लगाना, पर उन्होंने कहा नहीं ये शॉट ये तो बहुत जरूरी है। और आई थिंक सुबह 11 बजे शूट करना शुरू किया था हमने और दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक शूट किए थे, उसके बाद नेक्स्ट डे भी एक पैच वर्क किया था। तो अगर एक गाने के लिए वो इतना डिटेलिंग नहीं जा सकते तो फिल्म के लिए ऑब्वियसली तो बाबा नेचुरल बात हमारा से सुनिए। जहां पे हम जाए काम करे खातिर और सेट पे बैठल बने का हो, अच्छा भैया आ गई ले बिठाओ, हम भी थोड़ा वॉच करते हैं कि अच्छा ये पोजीशन है भैया आ गए, ठीक वो चल तो साथ ये करिए, काहे के दिन दिन में मेहनत रहे तो ना कर जा। लेकिन एक बात है, मैं जिस सेट पे पहुंचूं और देखूं कि यहां काम हो रहा है तो उस स्थान पे पवन सिंह से ज्यादा स्पीड भी कोई दिखा दे तो मैं मानूं। काम को क्यों बोला जाता है कि काम पूजा है, इसलिए बोला जाता है। बद्री भाई जैसे हमारे आप सबके बीच में रजनीश भैया बैठे हैं, लखनऊ में हम लोग 27 दिन में एक फिल्म कंप्लीट करके आए हैं जिस फिल्म का नाम है सूर्यवंशम, लव यू बाबा, क्या आपने काम कराया है, थैंक यू सो मच आपको दिल से। तो बद्री भाई जो हमारे हैं, ये सेट पे बंदा जब पहुंचता है तो सिर्फ काम काम काम, हमारा काम कैसे अच्छा, अच्छा भाई जी ऐसे करेगा, अच्छा भाई जी ऐसे करेगा, अच्छा हाँ इसको ऐसे करते हैं, तो क्या ना वहां दिल लगता है, मन करता है कि हाँ जानो चल जी, तब चल जी चल जी, जान ना जाए आदमी अमर हो जाएगा। लव यू मेरा बद्री भाई, थैंक यू सो मच।
मैंने बोला ना कि काम पूजा है, हमारे दिल के करीब सब टाइटल सब काम हमारे दिल के करीब पर। और जो टाइटल जो मैंने देखा, एक टाइटल पे थोड़ा सा वर्कआउट होगा, उसको हम लोग चेंज करेंगे। बाकी जो टाइटल हमने देखा, विक्रम भैया, अजीत भैया, आपका सुरना भैया, सिद्धार्थ जी, बद्री भाई जी, मैंने पहले ही बोला कि सारे कामा की टीम पे हमको इतना उम्मीद बा, खुद से भी ज्यादा। तो जौनी टाइटल बा, तो टाइटल जब देखिए कि वहां खड़ा हो गई, तो पिक्चर देखला के बाद गर्मी तो आईबे ना करी थी। जी, पूजा से आप पांच पांच फिल्में अनाउंस की गई है, कब से शुरू होगी कुछ बताइए हमारे दर्शकों को और हमें। अभी तो परसों हम जाते नहीं लंदन, आई 25 दिन के बाद, फिर 10-12 दिन आदमी बिजी रहेगा अपने सॉन्ग में। इसके बाद जब विक्रम जी का आदेश होगा किया जाएगा। पवन सर, जैसा कि देखा जा रहा है पहले और अब में गाने आपके बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ऐसे में फिल्मों को समय कैसे मिल पाएगा, कैसे आप दोनों चीजें ठीक लेकर चल पाएंगे या गाने कम होंगे। मैंने कुछ दिन पहले भी इंटरव्यू दिया था कि हमारे ऑडियंस जो जितना प्यार करते हैं, जितना हमको सलाह देते हैं कि भैया ये ठीक नहीं है, भैया वाह, मन खुश हो गया, तो पब्लिक के प्यार जो माना वो इतना एनर्जी दे देता है कि हर चीज छोटा दिखता है, वही चीज बनानी है हर काम, वो चाहे सिंगिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे और कुछ भी हो, मस्ती में होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पवन जी नमस्कार, मैं रेहान बोल रहा हूँ लहरे भोजपुरी से। इन पांच फिल्मों को जो आपने साइन किया है सारेगामा और युवली फिल्म्स के साथ, बहुत बहुत बधाई लहरे की तरफ से भी। थैंक यू। मेरा सवाल यह है कि आपकी एक और फिल्म आने वाली थी हर हर गंगे, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, दर्शक बहुत ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है, इसके पीछे का कुछ। हर हर गंगे के टीजर आई, पर ट्रेलर आई, 2-3 घंटा के डबिंग हमारे बाकी हुआ, और हम लोगों ने जो हर हर गंगे फिल्म के जो प्रोड्यूसर है हमारे अभय भैया, अभय सिंह जी, हम लोग डिसाइड की आपस में सलाह किए कि भैया ये बारिश में फिल्म को रिलीज ना किया जाए, मेहनत बेकार चलती है, तो हम लोगों ने ही डिसाइड किया है कि हर हर गंगे जो हमारी फिल्म है वो नवरात्रि के शुभ अवसर पे आएगी। मगर ये है कि असली मगरमच्छ अब आपके कंधे पर रखा जाएगा। देखो बागो धर दिया लो, ठीक है, कहीं भी आदमी मेहनत करता है, काम करता है, फिल्म क्यों बोला जाता है कि फिल्म है, या तो आप चलिए नहीं तो कैमरा चले, नहीं तो कैमरा चले नहीं तो हम चले, यही फिल्म है, फिल्म फिल्म है। मान लो कि हम एक फाइट मारनी घर भस गए तो साचो घर भर जाएगी। हाँ ठीक है, जो चीज अगर जिस चीज में अगर रियल बना की थोड़ी कमी अगर दिख रही है उसको सुधारा जाएगा। आप पवन जी, आप ज्यादा फिल्में तो वैसे भी साल में करते नहीं है, 3-4 फिल्में जहां तक मैं समझता हूँ करते हैं, जब पांच फिल्में अकेले सारे गामा के साथ आप करेंगे तो बाकी लोग बाकी मेकर्स को कैसे समय दे पाएंगे। नहीं देंगे। देखिए क्या है, पिक्चर तो 2010 में हमारा 18 को रिलीज हुई है, 1 साल में, लेकिन वो आदमी सीखता है, बोलता है, या भगवान जब या हमारे ऑडियंस जब स्थान देते हैं तो आदमी सेलेक्ट करता है। मैंने खुद ही डिसाइड किया कि मुझे साल में 5 ही पिक्चर करनी है, उससे ज्यादा फिल्म नहीं करूंगा। जो भी आदमी मेहनत करेगा वो मेहनत को हर फिल्म को, जो भी फिल्म हम लोग करेंगे उसको त्योहार पर रिलीज करेंगे। खबर तो ये भी है कि अगले साल से चुनाव शुरू हो जाएंगे और इस बार पवन सिंह जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी में व्यस्त हो जाएंगे, फिर फिल्में कैसे करेंगे। ठीक बात है, तुम लोग चुनाव लड़ा दिए वो लड़ जाए, ठीक ना, हमारे ऑडियंस ने ही मुझे गायक बनाया, गायक से नायक बना दिए, अगला जो भी बनूंगा हमारे ऑडियंस ही बनाएंगे, जो भी
जो भी पद मिलेगा हर कुर्सी पर आदमी बैठेगा, बट काम तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि काम ही प्यारा है और काम ही हमारे लिए भगवान है। और आदमी कहीं भी बैठेगा तो अपने सिंगिंग के दम पे ही बैठेगा और अपने एक्टिंग के दम पे ही बैठेगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो अब इस सावन के अवसर पे पवन जी एक जबरदस्त कांवर गीत लेके आ रहे हैं हम लोगों के लिए, तो उसका एक छोटा सा झलक मैं चाहता हूँ। दिलीप जी का, दिलीप जी का मनीषा रानी को सपोर्ट किया है, बिग बॉस में भी जाएंगे। अगर बिहार की बेटी बिग बॉस के घर में गई है, उसको सपोर्ट करना हमारा फर्ज बनता है। बिहार की बेटी हो चाहे यूपी की बेटी हो, चाहे कहीं की भी बेटी हो, बटुकरे इर्द गिर्द भोजपुरी के खुशबू आ जाए, उसके लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। खबर ऐसी है कि जियो सिनेमा भी भोजपुरी बिग बॉस शुरू करने वाला है, क्या हम सलमान खान की जगह आपको देख सकते हैं होस्ट करते हुए बिग बॉस भोजपुरी? ये संभव नहीं है भैया, हमारा सैंकरिंग नाम इक्के बतिया के बार 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 उदे थाकल हो गए, चाहे मूड बनल हो गए, चाहे खराब हो गए, ये वर्कआउट हमसे नहीं हो पाएगा। देखिए मेरा ये मान के चल रहा है कि अगर ऑडियंस लौट के थिएटर में जाना शुरू कर देगी, थिएटर का बिजनेस अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं जब बिहार के और यूपी के अंदर कस्टमर से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि पिक्चर में लेवल की पिक्चर नहीं आ रही तो मैं देखने का मन नहीं करता है। एक बार अच्छी क्वालिटी पिक्चर आएगी, लोग थिएटर में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, नया इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ये मान के चलना है ऑडियंस और सरकार इस पे भी बहुत तवज्जो दे रही है, थिएटर की इकोनॉमी फिर बूम करेगी। और अब थिएटर के साथ साथ आपके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म, टीवी चैनल और यूट्यूब पर भी। तो ओवरऑल कोशिश यही है कि कोई इंसान बंबई में बैठे हुए ना हो, अगर वो केरला और कर्नाटका में भी बैठा हुआ हो, जिस तरह हम वहां बड़े गर्व से अजीत की पिक्चर या मोहनलाल जी की पिक्चर देखते हैं, वैसे ही वो लोग अब पवन की पिक्चर भी देखेंगे। तो अब हम आप सबके सामने एक छोटी सी झलक पेश करना चाहते हैं। पवन जी ने बहुत ही शानदार कांवर गीत हम लोगों के लिए किया है, जो कि बहुत जल्द रिलीज होगा, तो उसका हम लोग मोशन पोस्टर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। जरा प्ले कर दीजिए प्लीज।